हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे। बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स सेकंड चैप्टर यूनिट 10 मेजरमेंट का सेकंड पार्ट आज हम करने वाले हैं, जहां पे हम मेनली सीखने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। और अभी तक अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहां आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और फटाफट उस फर्स्ट पार्ट को पहले कंप्लीट करिए, ताकि आप जो है वो चैप्टर को बहुत अच्छे से आगे भी समझ सको। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए बच्चों, अब हम सीखने वाले हैं आज मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, राइट। तो आप कहोगे कि सर उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो लेंथ मेजर करना जानते ही, हमारे पास तो स्केल है कि नहीं, कहोगे ना आप लोग ऐसा। तो आपके पास बच्चों जो नॉर्मली स्केल होता है, जो आप यूज करते हो ज्योमेट्री के लिए, वो ये रहा आपका स्केल, राइट। अब इस स्केल में बच्चों आप कम से कम कितना मेजर कर सकते हो बताओ। तो कम से कम हम मेजर कर सकते हैं बच्चों जो 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट करे हुए हैं, यस और नो। स्केल में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट होते हैं, यस और नो। और हर एक पार्ट कितना होता है बच्चों, 1 mm जितना। तो जो आपका मीटर स्केल है उससे हम कम से कम कितना मेजर करते हैं बच्चों, 1 mm। और ज्यादा से ज्यादा आप इससे कितना मेजर कर पाओगे, इसमें तो 15 सेंटीमीटर ही है, बट कुछ ऐसे भी स्केल्स या मेजर टेप होते हैं जो करीब 100 मीटर तक के बड़े होते हैं। ओके, तो सबसे पहला बच्चों आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, राइट, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है बच्चों आपका मीटर स्केल, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, राइट, मीटर स्केल। और इस मीटर स्केल में बच्चों हम 1 mm से लेकर 100 मीटर तक मेजर कर सकते हैं। कितना मेजर कर सकते हैं, 1 mm से लेकर 100 मीटर। 1 mm का मतलब क्या होता है, मिली मतलब 10^-3 मीटर से लेके 100 मतलब 10^2 मीटर, इतना हम मेजर कर सकते हैं बच्चों विद द हेल्प ऑफ अ नॉर्मल स्केल। अगर मुझे 10^-3 से भी छोटा मेजरमेंट करना है तो क्या होगा, तो फिर ये स्केल हमें काम आने वाला नहीं है। तो ये बच्चों आपके फिजिक्स का पहला एक्सपेरिमेंट है वर्नियर कैलिपर, और अपने लेक्चर में सबसे एंड में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अबाउट द वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, बिकॉज वो JEE के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके फाइन, चलिए। तो अगर मुझे 10^-4 मीटर मेजर करना है तो बच्चों इंस्ट्रूमेंट का नाम है वर्नियर कैलिपर। क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट का, वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर क्या करता है बच्चों, 1 mm के भी 10 टुकड़े करता है, 1 mm के 10 टुकड़े करता है। मतलब ये कितना मेजर करता है बच्चों, 10^-4 मीटर तक छोटा वैल्यू मेजर कर सकता है। ओके, और एक और इंस्ट्रूमेंट है बच्चों जो इससे भी छोटा होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्क्रू गेज। क्या कहते हैं बच्चों उसको, हम स्क्रू गेज कहते हैं, या उसे कहते हैं हम स्फेरोमीटर। क्या कहते हैं बच्चों उसके, हम स्फेरोमीटर। ये स्फेरोमीटर क्या करेगा बच्चों, 1 mm के 100 पार्ट करता है। कितना पार्ट करता है, 1 mm का 100 पार्ट करता है। वर्नियर ने क्या किया, 1 mm का 10 पार्ट किया। ये स्क्रू गेज क्या करता है, 1 mm के भी 100 पार्ट करके हमें मेजरमेंट देता है। मतलब ये बच्चों मेजर कर सकता है कम से कम 10^-5 मीटर। तो ये जो है ना बच्चों, ये सब कुछ हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली। 10^-5 से स्टार्ट करके 10^2 तक आप डायरेक्ट स्केल से मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, अब बच्चों अब ये बताओ, अगर मुझे मेजर करना है डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, या डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सम स्टार, तो क्या करोगे, क्या वो स्केल लेके जाओगे अर्थ और मून के बीच में, या अर्थ और स्टार के बीच में? पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये जो है ना बच्चों, वो इनडायरेक्ट मेथड होते हैं मेजरमेंट के। क्या होता है बच्चों, इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ द मेजरमेंट। चले तो वही हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। हम मेजर करेंगे बच्चों मेजरमेंट ऑफ द वेरी लार्ज डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस, राइट। ओके, और यहां पे बच्चों आपका पहला जो मेथड है, उस मेथड का नाम है बच्चों पैरेलेक्स मेथड। क्या नाम है बच्चों उसका, पैरेलेक्स मेथड। वैसे हमें एक ही मेथड यहां पे सीखना है, बहुत सिंपल मेथड, बहुत सिंपल। अगर आप लॉजिक समझ लिए तो फिर ये पैरेलेक्स मेथड तो जो है ना वो आपके लिए ऐसे चुटकी बजाने का खेल है। चलिए, तो बच्चों मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दे रहा हूं, अभी हम सब साथ में करेंगे। सबके पास 2 बॉल पेन होने चाहिए, लिए सबने 2 बॉल पेन। चलिए, आपको क्या करना है, एक बॉल पेन को अपने से दूर रखना है, राइट, उसको ना कहीं आप फिक्स कर दो। सपोज मान लीजिए मैं जिस तरह कर रहा हूं, तो लेट मी से कि मैंने ये जो मार्कर है ना उसको फिक्स कर दिया, दिख रहा है आपको। चलिए, ये जो मार्कर है मैंने फिक्स कर दिया है, कैमरे के आगे मैंने लगा दिया एक मार्कर को, और ये जो दूसरा मार्कर है ना बच्चों, उसको क्या करना है, आप एक आंख बंद कर दो, एक आंख आप बंद करो, और ये दूसरा मार्कर जो है ना उसको एग्जैक्टली इस ब्लैक मार्कर के सामने ला दो। आ गया, एक आंख को बंद करना है आपको। आ गया बच्चों, एग्जैक्टली दोनों मार्कर आगे पीछे, यस और नो। आपको खाली एक काम करना है बच्चों, खाली आंख बदल दो, जो आंख बंद थी उसको खोल दो और जो खुली थी उसको बंद करो, मार्कर की जगह मत चेंज करना। करा, क्या हुआ, मार्कर अपने आप शिफ्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, मार्कर अपने आप शिफ्ट। वापस आप उस आंख को चेंज करो, वापस मार्कर अपनी जगह पे आ जाएगा,
वापस आंख को चेंज करो, मार्कर शिफ्ट हो गया, अपनी जगह पे आ गया। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जब हम मार्कर को दो अलग अलग पॉइंट से देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, दो अलग अलग पॉइंट मतलब अपनी दोनों आंखें, वहां से दो रेज निकल रहे हैं राइट, जो मार्कर के पास जाके मिल रहे हैं, तो उन दोनों रेज के बीच का जो एंगल है ना बच्चों, उसे कहते हैं हम पैरालैक्टिक एंगल। क्या कहते हैं बच्चों उसको? पैरालैक्टिक एंगल कहते हैं। और यहां पे जो शिफ्टिंग हुआ ना मार्कर का, उस शिफ्टिंग को हम कहते हैं बच्चों पैरालैक्स। क्या कहते हैं बच्चों? शिफ्टिंग को हम पैरालैक्स कहते हैं राइट। और इस पैरालैक्स के यूज करके हम मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। एग्जैक्ट क्लियर क्या करना है वो? ओके, तो हम यहां पे सिंपल सा एक चीज लिखूंगा बच्चों, अपने ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसमें मैंने दो आंखों को यूज किया अपनी, तो ये फर्स्ट आई बच्चों सपोज मान लिया, सेकंड आई। ओके फाइन, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट था, एक जो रे है बच्चों वो ऑब्जेक्ट में इस आंख से आ रहा है और एक जो रे है बच्चों वो इस आंख से आ रहा है, यस और नो? तो ये दोनों आंखों के बीच का जो डिस्टेंस है ना बच्चों, उसे कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? जहां पे आपका दो पॉइंट है ऑब्जर्वेशन का, दोनों ऑब्जर्वेशन के पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? बेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम बेस कहते हैं। और दूसरी बात, बेस में से दोनों जो रेज आ रहे हैं ना उसके बीच के एंगल को हम कहते हैं बच्चों पैरालैक्टिक एंगल। तो यहां पर जो थीटा है ना बच्चों वो क्या है? पैरालैक्टिक एंगल है। क्या है बच्चों? थीटा, पैरालैक्टिक एंगल। बोलिए आपको इतना समझ आ गया पैरालैक्स क्या है? और जितना भी शिफ्ट हुआ ना उस शिफ्ट को हम कहते हैं बच्चों पैरालैक्स। ओके, मार्कर पहले यहां दिख रहा था, आंख चेंज करी तो थोड़ा सा ऐसा शिफ्ट हो गया ऐसा लगा, तो वो जो शिफ्ट हुआ ना उस शिफ्ट को बच्चों हम कहते हैं पैरालैक्स। ओके चलिए, अब ये पैरालैक्स को हम यूज करेंगे बच्चों। सपोज मान लेते हैं कि ये बेस जो है ना उसका डिस्टेंस है, दोनों बेस के बीच का डिस्टेंस है बी। कितना है बच्चों? बेस का डायमेंशन जो है वो बी है। और सपोज मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है ना वो स्मॉल डी है। क्या है बच्चों? ये डिस्टेंस जो है वो स्मॉल डी है। तो आप याद करिए हमने प्लेन एंगल का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या होता है बच्चों प्लेन एंगल? प्लेन एंगल आपका होता है आर्क बाय रेडियस, यस और नो? तो यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों कि ये जो प्लेन एंगल है, यह बच्चों ये प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, यस और नो? चलिए बच्चों, यहां पे आर्क कौन है? तो थीटा के सामने जो होता है वो आर्क होता है ऑलवेज राइट। तो थीटा के सामने कौन है? बेस। तो बेस क्या है बच्चों? आपका आर्क है। और रेडियस मतलब ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि आप समझोगे ये सेंटर है और उसके आजू बाजू आप पूरा एक सर्कल क्रिएट कर सकते हो इस तरह से, यस और नो? तो ये क्या हो गया बच्चों? आपका आर्क हो गया। और ये क्या होना है? ऑब्वियसली डिस्टेंस होना है, तो आपका रेडियस होना है। तो वो रेडियस कितना है बच्चों? डिस्टेंस इतना है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? थीटा इज इक्वल टू बेस बाय डिस्टेंस। ओके चलिए, और एक बात कंपलसरी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो थीटा है ना बच्चों, ये कंपलसरी किसमें होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। इसीलिए ना मैंने कल आपको कन्वर्ट करना सिखा दिया था कि अगर डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं राइट। ओके चलिए बच्चों, सबसे पहले ना हम मेजर कर लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सम डिस्टेंस स्टार, और यू कैन से डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। ओके चलिए, देखिए क्या करना है, बहुत सिंपल सा बच्चों काम करना है आपको राइट। पैरालैक्स ही यूज करना है और कोई धार नहीं मारनी है। चलिए देखिए क्या करेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सम डिस्टेंस स्टार, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सम डिस्टेंस स्टार। ओके, बहुत दूर एक तारा है तो आप उसका डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे? तो बहुत सिंपल है बच्चों, मान लीजिए कि ये आपका है धरती। धरती मतलब अर्थ है ना, जहां पे आप रहते हो, मैं रहता हूं, सब लोग यहीं पे तो रहते हैं ना। और ये आपका कोई स्टार है, और सपोज आपको ये डिस्टेंस बच्चों मेजर करना है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज कैपिटल डी। ये आपको मेजर करना है कितना होगा, वो भी धरती पे रह के आप तारे का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, है ना? ये इंसान जो है ना वो बहुत बड़ा हो चुका है, अपने नॉलेज से वो कुछ भी कर सकता है राइट। तो हमें क्या करना है बच्चों, ये पैरालैक्स मेथड यूज करना है। हम क्या करेंगे, ये तारे को साइमल्टेनियसली एक ही साथ अर्थ के दो अलग अलग पॉइंट से ऑब्जर्व करेंगे। मतलब क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से, सपोज वो दो अलग अलग पॉइंट जो है ना, वो एक जो है वो सपोज मान लीजिए इंसान नॉर्थ पोल पे है, और उसी टाइम पे एक ऑब्जर्वर जो है वो साउथ पोल के ऊपर है। दो ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर नॉर्थ पोल के ऊपर ऑब्जर्व कर रहा है, दूसरा जो है वो साउथ पोल के ऊपर ऑब्जर्व कर रहा है। दोनों साइमल्टेनियसली इस तारे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके सपोज इसने जो ऑब्जर्व किया, इसका जो भी टेलीस्कोप है वो कुछ इस तरह झुका हुआ है, और इसका जो टेलीस्कोप है वो कुछ इस तरह झुका हुआ है। ओके, अब ये दोनों बच्चे क्या करेंगे, दोनों ऑब्जर्वर जो है वो अपने अपने डेटा को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, लिंक करेंगे डेटा को, और उससे क्या मिल जाएगा बच्चों, ये थीटा एंगल कितना है वो मिल जाएगा, यस और नो? तो ये तो कुछ ऐसा ही हो गया बच्चों, यस और नो?
आई बात समझ में? तो ये बच्चा आपका क्या हो गया, बेस हुआ कि नहीं? जो दो पॉइंट से ऑब्जर्वेशन हो रहा है उन दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। बेस क्या कहते हैं उसको हम? बेस, जो मैंने यहां आपको समझाया। ओके, तो आपको बेस मिल गया, आपको थीटा मतलब पैरालैक्टिक एंगल मिल गया। तो अब देर किस बात की है, अप्लाई करो बच्चों फॉर्मूला। तो स्टेटमेंट लगा देते हैं पहले यहां पे। स्टेटमेंट लिखेंगे बच्चों, द स्टार इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स फ्रॉम अर्थ एट अ सेम टाइम। ओके, अब बाकी आप थोड़ा बहुत मसाला इसमें लिख देना और उसके बाद आपको सीधा जाना है पैरालैक्टिक एंगल के ऊपर। तो ये एंगल जो भी मिलना है बच्चों ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन के बीच का, इसे कहते हैं बच्चों डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या कहते हैं बच्चों इसको हम? डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो दोनों जगह से जो डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसके बीच का जो एंगल है वो एंगल थीटा क्या होता है बच्चों? आर्क बाय रेडियस। चलिए, जो मैंने आपको बताया थीटा के सामने ऑलवेज कौन होता है? आर्क होता है, आर्क। तो यहां पे आपका आर्क कौन है बच्चों? ये क्या होगा बताइए ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस क्या है? इसको स्मॉल डी लिखो। तो आप कहोगे सर ये तो डायमीटर है अर्थ का, है ना? इतने होशियार हो तो ये बताओ ना अर्थ का डायमीटर कितना होता है, बताइए किसी को? तो अर्थ का डायमीटर होता है बच्चों 12,800 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। ये आपको जब क्वेश्चन दिया होगा ना तो उसके अंदर वैल्यू दिया होगा, ना दिया हो तो आपके दिमाग में अपने आप वो फिट हो जाएगा, इतनी बार इसको यूज करना है हमें। ओके, तो यहां पे बच्चों जो आपका आर्क है थीटा के सामने जो आर्क है, राइट, वो आर्क क्या है आपका? बेस है। बेस क्या है बच्चों आपका? स्मॉल डी। और रेडियस क्या होगा बच्चों? थीटा के साथ जो लाइन है वो क्या होती है? रेडियस। और वो क्या आपका? कैपिटल डी है। यस और नो? तो योर थीटा इज इक्वल टू स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी है आपका डाया ऑफ अर्थ, अपने ने जो केस दिया है उसके अंदर। ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑब्जर्वेशन के पॉइंट है वो कुछ और जगह पे दिए हो, तो उसके बीच का डिस्टेंस आपको दिया होगा क्वेश्चन में, दैट इज गोइंग टू बी योर बेस। ओके, डिवाइड बाय ये डाया क्या है बच्चों? डाया ही तो हमें फाइंड करना, दैट इज अ डिस्टेंस किसके बीच का? अपना अर्थ और जो जो भी आपका स्टार है उसके बीच का डिस्टेंस जो आपको मेजर करना है। यस और नो? तो मुझे तो ये कैपिटल डी मेजर करना है बच्चों। तो कैपिटल डी क्या होगा? स्मॉल डी बाय थीटा। बोलिए एक बात जो आपके दिमाग में अभी घंटी बजानी चाहिए ही चाहिए, कौन सी है वो बात जो आपके दिमाग में घंटी बजा रहा है बताओ? चलो, ऑब्वियसली कि ये जो एंगल है ना थीटा, किसमें होना चाहिए? कंपल्सरी रेडियन में ही होना चाहिए। वापस कह रहा हूं, पार्ट वन में कन्वर्जन नहीं देखा है तो फटाफट जाओ पार्ट वन में कन्वर्जन सीखो और वापस आ जाओ यहाँ पे। इतना क्लियर है बच्चों? चले, तो यहाँ पे डिस्टेंस मेजर कर लिया। अब मुझे ऐसा मन हुआ कि चलो ना यहाँ पे बैठे बैठे मून का डायमीटर मेजर कर लेते, है ना? बस मन तो कुछ भी हो सकता है ना, तो कर सकते हैं। प्रैक्टिकली ये भी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ दिस पैरेलैक्स मेथड। ओके, चले बता दूं आपको किस तरह से हम यहां बैठे बैठे कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है, सपोज मान लीजिए मून है, उसका डायमीटर कैसे मेजर हो सकता है? लेट्स सी दैट। चलिए बच्चों, तो ये सपोज आपका अर्थ है और इधर है बच्चों सबका मामा चंदा मामा। क्या ये मून है? मून है ना, चंदा मामा। और मुझे मेजर करना है कि चंदा मामा कितना मोटा है, मतलब उसका डायमीटर कितना है, वो अपने को मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम एक दो टेलीस्कोप ले लेंगे, या एक ही टेलीस्कोप से भी आप काम चला सकते हो, बिकॉज मून इतना फटाफट तो भागना नहीं है। आपको क्या करना है? टेलीस्कोप लेना है बच्चों। पहले आप क्या करोगे? मून के एक एंड को वहां से ऑब्जर्व करोगे टेलीस्कोप से, यस और नो? उसी टाइम के ऊपर आपको क्या करना है? मून का जो डायमीटर का अपोजिट पॉइंट है उसको देखना है आपको, एकदम ऐसे टच टू टच। बोलो, इतना कर सकते हो कि नहीं कर सकते आप? आपके पास भी टेलीस्कोप है तो आप भी ये कर सकते हो। हाँ, टेलीस्कोप खाली आपको पहले आपको मून को एक साइड देखना है। ओके, टेलीस्कोप का एंगल नोट कर लो, फिर दूसरी बाजू देखो, टेलीस्कोप का एंगल नोट करो। जैसे ही आप ये करोगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा दोनों लाइन ऑफ दोनों ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन के बीच का एंगल। यस और नो? ओके, अब आपको ना एक चीज पता होनी चाहिए कि ये जो मून है उसका अर्थ से डिस्टेंस कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें तो दिया ही होगा ऑलरेडी। हमारा टारगेट है स्मॉल डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों हमें? डाया ऑफ मून, स्मॉल डी। वापस वो तो वैसा ही हो गया, थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। चलिए अब मुझे आप बताइए आर्क कौन सा होगा? तो आर्क मैंने क्या सिखाया? थीटा के सामने जो है वो आर्क थीटा ये रहा, सामने कौन है? स्मॉल डी। तो वो क्या होगा आपका? आर्क हो जाएगा। और रेडियस कौन होगा? थीटा के साथ जो होता है कैपिटल डी। ये क्या होगा आपका? रेडियस होगा।
क्लियर इतनी बात आपको आई, बात समझ में इतनी? चलिए बच्चों तो लिख देते हैं यहाँ पे, पैरेलैक्टिक एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। चलिए यहाँ पे आर्क क्या है बच्चों, आर्क है आपका स्मॉल डी, रेडियस क्या है आपका कैपिटल डी, कैपिटल डी क्या है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ इज दैट क्लियर? आई इतनी बात आपको समझने? ओके चलिए, तो आप आपको तो क्या मेजर करना है, स्मॉल डी निकालना है ना, ये अपने को स्मॉल डी निकालना है डाया ऑफ मून। अब तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, तो स्मॉल डी क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा इंटू कैपिटल डी। कोई बात आपके दिमाग में घंटी बजा रहा है तो बताओ पटापट। हाँ एग्जैक्टली, थीटा किसमें, रेडियन में, किसमें चाहिए थीटा बच्चों, रेडियन में चाहिए। चलिए कथा बहुत हो गई, अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करे जाए। ओके तो देखिए आपके सामने पहला न्यूमेरिकल आ चुका है आपके साइंस फील्ड की जिंदगी का, और पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री, 1 मिनट, और फिर क्या कहा गया, 1 सेकंड ऑफ द आर्क और आर्क सेकंड इन रेडियन। ले कन्वर्ट करना है रेडियन में, हम तो सीख चुके हैं ये, यस और नो? चलिए तो भी कर लेते हैं वापस एक बार, है ना। तो एग्जांपल नंबर 2.1 किसमें कन्वर्ट करना है बच्चों, आपको आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में, दिया हुआ डिग्री में। ओके मैंने तो बहुत भारी भारी क्वेश्चन कराए थे आपको कन्वर्जन के, ये तो मामू जैसा क्वेश्चन आया। पहले किसको कन्वर्ट करना है बच्चों, 1 डिग्री को, तो ये तो हमें पता ही है 1 डिग्री। डिग्री क्या होता है बच्चों, पाई बाई 180 रेडियन। ले हो गया कन्वर्ट, पाई का वैल्यू खुद डाल देना कैसे यूज करके, 3.14। ओके फिर कन्वर्ट करना है बच्चों आपको 1 सेकंड को। चलिए बताइए मैंने क्या सिखाया था, जहां पे बच्चों आपका सेकंड है वहां पे आप क्या करोगे, पहले डिवाइड बाय 60 करोगे, सॉरी 1 मिनट है, मिनट जहां पे है, सिंगल लाइन का मतलब होता है मिनट, जहां पे मिनट है वहां पे आप पहले क्या करोगे, डिवाइड बाय 60 करोगे। तो ये किसमें कन्वर्ट होता है बच्चा, डिग्री में कन्वर्ट होता है। फिर आप क्या करोगे, जो डिग्री बना 1/60, उस डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाय 180 से, तो ये क्या बन जाना है आपका, रेडियन बन जाना है। क्लियर? चलिए अब कन्वर्ट करके दिखाओ बच्चों 1 सेकंड को। तो याद करिए, जहां पे डबल लाइन है उसको सेकंड कहते हैं, और सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करोगे, डिवाइड बाय 3600। सेकंड में कितने आवर्स होते हैं, सेकंड में आवर कितना होता है, तो 1/3600 होता है ना, इसलिए जहां पे सेकंड है उसको 1/3600 करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट हुआ। जैसे ही आपका डिग्री आ गया बच्चों, उसको क्या करोगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके क्या बना दोगे, रेडियन बना दोगे। बोलिए सिंपल एकदम कन्वर्जन ये, फाइन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक 1 सेकंड का जो है ना, आप ये वैल्यू को आप याद रखोगे तो आपको एग्जाम में बेटर होगा। 1 सेकंड बच्चों आपका रेडियन में होता है 4.85 × 10^-6 रेडियन। ये आप याद रखो तो एग्जाम में काम आएगा, ना याद रखो तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम में जनरली कैल्सियम अलाउड नहीं होते, तो वहां पे आपको ये थोड़ा बेसिक डेटा याद होना चाहिए कि 1 सेकंड कितना होता है, 4.85 × 10^-6 रेडियन होता है। क्लियर एग्जाम्पल नंबर 1? ओके चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2.2। इतना बड़ा क्वेश्चन है बापरे, बट लेना कुछ भी नहीं है, 2 लाइन का सोल्यूशन है, और क्वेश्चन तो देखो कितना बड़ा है। क्या क्वेश्चन देखिए, अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ नियर बाई टावर फ्रॉम हिम। ओके उसको एक टावर है, उसका डिस्टेंस मेजर करना है कितना दूर है वो। उसने क्या किया, उसके लिए ही स्टैंड्स एट अ पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ द टावर सी। तो ये बच्चों आ गया आपका टावर सी। ओके इंसान कहां खड़ा है बच्चों, इंसान खड़ा है एट सम पॉइंट ए। ए उसका कौन सा पोजीशन है बच्चों, इनिशियल पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है उसका, इनिशियल पोजीशन है किसका बच्चों, इंसान का। अब इंसान ने क्या किया देखिए, तो वो क्या कर रहा है बच्चों, एंड स्पॉट्स अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ इन लाइन विथ एसी। तो ये एसी वाला जो डायरेक्शन है ना, उसकी इन लाइन एक बहुत दूर कोई और ऑब्जेक्ट है, इसको ये इंसान साथ साथ में स्पॉट कर रहा है। तो उसका ऐसा लग रहा है कि ए मतलब उसका पोजिशन टावर और कोई बहुत डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है बच्चों, बहुत डिस्टेंस है, बहुत दूर है, वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट राइट। ओके तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये ए सी और ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है ना वो सारे एक ही लाइन में है, उसको ऐसा ऑब्जर्व हुआ। अब क्या हुआ आगे बच्चों देखिए, ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू एसी। तो ये एसी लाइन हो गया, उसको परपेंडिकुलर ही यहां से चल के आया बच्चों बी पॉइंट तक। कितना चल के आया बच्चों, बी पॉइंट तक चल के आया, परपेंडिकुलर टू द एसी अप टू द पॉइंट बी, अ डिस्टेंस 100 मीटर। तो ये भी डिस्टेंस कितना है बच्चों का, 100 मीटर है। एंड लुक्स एट ओ एंड सी अगेन, उसने वापस ओ और सी को देखा। अब बच्चों ऑब्वियसली बात है कि सी को अगर वो देखेगा तो अब तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ विजन है वो चेंज हो जाने वाला है,
क्या लगता है? बोले आपको ऑब्वियसली होगा ऐसा, बट क्योंकि ये ओ तो वेरी फार है तो ओ के डायरेक्शन में उसको कोई चेंज दिखने वाला नहीं है। ये बच्चों हमने जो पैरेलल्स वाला एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसमें ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा पास होगा ना उतना ज्यादा आपका पोजीशन शिफ्ट होगा। अगर आप ऑब्जेक्ट को बहुत दूर ले लोगे ना तो उसके बाद आपका पोजीशन उतना ज्यादा चेंज नहीं होता है। ऑब्जेक्ट अगर दूर होगा तो फिर पैरेलल्स इतना ज्यादा दिखना नहीं है, ऑब्जेक्ट पास में है तो ही पैरेलल्स का इफेक्ट दिखेगा। आप चेक करना हो तो कर सकते हो। ओके, तो उसको जो ओ का लाइन है उसमें कोई ज्यादा उसको फर्क नहीं दिखा, उसको ऐसा ही लगा कि ओ तो अभी भी इसी लाइन में है सीधा सीधा। जैसे ए से उसको ओ कहां दिख रहा था, सीधा दिख रहा था, उसी तरह से बी से भी उसको अभी ओ कहां दिख रहा है, बच्चों सीधा ही दिख रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं लग रहा है। चलिए अब मुद्दे की बात क्या है वो देखते हैं। ओके, वेरी डिस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन बी ओ इज प्रैक्टिकली द सेम एस ए ओ, बट इट फाइंड्स द लाइन साइड ऑफ सी शिफ्टेड फ्रॉम ओरिजिनल लाइन ऑफ साइड बाय एन एंगल ऑफ थीटा, और वो थीटा कितना है बच्चों 40 डिग्री। तो ओ के लाइन में तो कोई फर्क नहीं लगा उसको बी पर से, बट बी पर से जब उसने टावर को देखा तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, उसको लगा कितना एंगल चेंज लगा बच्चों उसको थीटा जितना, और वो थीटा दिया है आपको 40 डिग्री। बोले इतना देना था और इसके लिए इतना सारा लिखा है ना, कोई नहीं अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको। फाइनली एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ अ टावर सी फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन ए, टावर सी और ए का ओरिजिनल पोजिशन है उसका फाइनल पोजिशन है बी, तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द टावर फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन। ये आपका क्वेश्चन है, कुछ कुछ याद आ रहा है आपको, मैथ्स किया था 10th में ट्रिग्नोमेट्री है ना, चलिए ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है यहां पे। बताओ ना मुझे टेंथ थीटा क्या होता है बच्चों, ऑब्वियसली आपने सीखा होगा टेंथ थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। सीखा है कि नहीं सीखा? नहीं सीखा ना तो अपने टेंथ के टीचर का गला पकड़ो जाके, मतलब उनको पूछो कि मुझे क्यों याद नहीं है ये, ऑब्वियसली आपको याद ही होगा जोक सपाट। ओके चलिए, तो अपोजिट साइड कौन सा है, थीटा यहां पर है, अपोजिट साइड ये ए बी है आपका, एडजेसेंट साइड कौन सा है बच्चों आपका ए सी है। चलिए तो टेन थीटा, थीटा कितना है आपका बच्चों 40 डिग्री है। ओके चलिए ए बी कितना है आपका, ए बी है आपका 100 मीटर, ए सी हमें फाइंड करना है। आपको सर अब ये नहीं सॉल्व हो सकता बिकॉज 10 40 हम लोगों को नहीं सिखाया है 10th स्टैंडर्ड में, बिकॉज 10th के टेबल में आपके पास कितने एंगल होते हैं, 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 होता है, 60 होता है, 90 होता है, उसके आगे के एंगल सिखाए नहीं है। तो बच्चा तो अभी 10th में नहीं है, तो 11th में आ चुका है, तो 11th में आपको सारे एंगल जो है ना देखने के लिए एक टेबल होता है जिसे कहते हैं हम लॉग टेबल, और उस लॉग टेबल के अंदर ये 10 का भी टेबल होता है। तो बहुत जल्दी मैं आपको वो सारे टेबल्स भी सिखाऊंगा किस तरह से उसको देखा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके तो आप जब टेबल में देखोगे ना बच्चों 10 40 का आपको टेबल दिया जाएगा, तो वहां से आपको 10 40 डिग्री का जो वैल्यू है वो मिलता है बच्चों आपको 0.8391, कितना मिलना है 0.8391 मिलना है, दट इज इक्वल टू 100 बाय AC। तो बच्चों आपका AC आ जाएगा 100 बाय 0.8391 जो होगा आपका 119 मीटर। तो ये 119 मीटर ही आपका आंसर है बच्चों, दट इज द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। बोलिए बात गई आपके दिमाग में? ओके तो एक और सम आपके सामने आ गया बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2.3, बहुत छोटू सा क्वेश्चन है ये भी, देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, डेटा ज्यादा लिखा है बट सोल्यूशन छोटा सा ही है। लेट्स सी क्या है, द मून इज ऑब्जर्व From two diametrically opposite points A and B on Earth. ध्यान से बच्चों, मून को ऑब्जर्व करना है, कहां से ऑब्जर्व करना है, अर्थ के दो diametrically opposite points से। तो ये सपोज आपका अर्थ है राइट, ये उसके डायामीटर के दो अपोजिट पॉइंट हुए, यहां से आपको किसको ऑब्जर्व करना है बच्चों, मून को ऑब्जर्व करना है। तो एक ऑब्जर्वेशन जो है ना बच्चों वो यहां से हो रहा है और एक ऑब्जर्वेशन जो है वो इस पॉइंट से हो रहा है, दोनों पॉइंट कहां है बच्चों, डायामीटर के अपोजिट वाले पॉइंट है, यस और नो, इज दैट क्लियर? चलिए बच्चों आगे देखिए, द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, एंगल सबटेंडेड बाय मून विथ द टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, एक डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, दोनों डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच का एंगल थीटा है और वो एंगल दिया है आपको 1 डिग्री एंड 54 मिनट। कितना दिया है बच्चों, 1 डिग्री एंड 54 मिनट दिया है। गिवन द डायामीटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट 1.276 × 10^7 मीटर, डाया ऑफ अर्थ कहां है बताओ, तो ये है ना डाया ऑफ अर्थ, लेट्स गिव इट नेम एज स्मॉल डी, तो आपका स्मॉल डी क्या है बच्चों, डाया ऑफ अर्थ है, और ये डाया ऑफ अर्थ है बच्चों आपका 1.276 × 10^7 मीटर। मैंने कहा था ना क्वेश्चन में वो दिया होगा, देखिए दिया ही है आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू। आपको फाइंड क्या करना है, आपको निकालना है कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ। क्या निकालना है बच्चों, ये अर्थ है ये मून है, ये डिस्टेंस आपको निकालना है।
आप तो होशियार बच्चों, आपको तो याद आ ही गया होगा क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है। बताइए क्या अप्लाई करोगे? थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। अप्लाई करो बच्चों, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। चलिए कौन बताएगा आर्क क्या है? तो आर्क कहां होता है? थीटा के सामने। थीटा इधर है, उसके सामने कौन है? स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है बच्चों? आपका डाया ऑफ अर्थ। लेट्स राइट दिस स्मॉल डी। और रेडियस कौन बनेगा बच्चों? ये आपका रेडियस बनेगा, तो थीटा सबटेंड कर रहा है। क्या है बच्चों? वो डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। ये बीडब्ल्यू का मतलब है बिटवीन मून एंड अर्थ। और वो क्या बच्चों? आपका कैपिटल डी है, जो आप मेजर करना चाहते हो। यस और नो? तो आपको मेजर करना है कैपिटल डी। तो ये कैपिटल डी कितना हो जाएगा बच्चों? आपका डी बाई थीटा। यस और नो? प्रॉब्लम है अभी इस जगह पे। थीटा देखो किसमें दिया है? डिग्री में दिया है। आपको किसमें कन्वर्ट करना होता है कंपलसरी थीटा को? रेडियन में। वापस ब्लू मार्कर का यूज। आपको वार्निंग साइन देगा ये ब्लू मार्कर। वैसे रेड होता है वार्निंग साइन, बट मेरा वार्निंग साइन ब्लू मार्कर है। ओके, तो ये वार्निंग साइन है, रेडियन कन्वर्ट करना है इसको। लेट अस कन्वर्ट दिस इन रेडियन। सिंपल है, अभी आपको आता है मुझे पता है। चलिए डी कितना है? 1.276 इंटू 10^7 डिवाइड बाय थीटा। थीटा कितना है? 1°54' है। देखना बच्चों मैं कैसे कन्वर्ट करने जा रहा हूं। हाँ ओके, ध्यान से। चलिए जहां पे डिग्री है उसको छेड़ते हैं हम कभी भी? ना नहीं छेड़ते, डिग्री को रखना है एज इट इज। जहां पे मिनट है उसको छेड़ेंगे? छेड़ना ही पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा मिनट वाले पार्ट को। कर दिया तो अब ये पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों? आपका डिग्री में कन्वर्ट हुआ। अभी तो पूरा डिग्री में हो गया। ये 1 भी डिग्री में आ गया, 54/60 भी डिग्री में आ गया, और डिग्री में आ गया उसके बाद आप कहां मल्टीप्लाई करते हो बच्चों? बताओ, पाई बाय 180 करते हो ना मल्टीप्लाई? करना ही पड़ेगा पाई बाय 180। चलिए अब क्या करेंगे? अब तो खाली कैलसी काम करेगा। हमको का हमारा काम तो हो गया। तो ये 1 डिग्री 54/60 होगा बच्चों आपका 0.9। तो ये 1+0.9 कितना हो गया? ये 0.9 इंटू पाई। ये बाई 180 कहां जाएगा बच्चों? ऊपर जाएगा कि नहीं? ऑब्वियसली उसको ऊपर जाना ही पड़ेगा भाई, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में जाएगा ना, है ना? चलिए मुझे पता है आपको आता है, बट बता देना इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसको आप जैसे ही कैलसी पे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो आपका आंसर कुछ आ जाएगा 3.84 × 10^6 मीटर। कितना आएगा बच्चों? आपका डिस्टेंस आ जाएगा 3.84 × 10^6 मीटर। तो ये है चंदा मामा का घर, इतना दूर है ना? और आप तो बाद में मामा के घर पहुंच जाते हो। देखो आपका चंदा मामा कितना दूर है, 3.84 × 10^6 मीटर जितना दूर है। ओके, कैसे पता चला? बाय दिस पर्टिकुलर पैरालेक्स मेथड। इज दैट क्लियर? चलिए इसका आखिरी एक न्यूमेरिकल है, क्या कहता है बच्चों? लेट अस सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलो एग्जांपल नंबर 2.4। अब बारी है सूरज दादा की, क्या कहता है? देखो, द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू बी 1920। 1920 मूवी देखा है? बहुत डेंजर है। 1920 सेकंड अपने एंगल में आ जाते हैं वापस। 1920 सेकंड इज एंगुलर डायमीटर। द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.496 × 10^11 मीटर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन? तो आपको बच्चों एंगुलर डायमीटर दिया हुआ है और आपको सन का डायमीटर निकालना है। निकाल लोगे ना? तो क्या करना है बच्चों? ऐसा क्वेश्चन जो है ना, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, ये अर्थ है सपोज, और अर्थ पे आपसे अर्थ से आपको सूरज को देखना है। ये क्या बच्चों? आपका सन है। ओके, तो आपने क्या किया बच्चों? दो डायरेक्शन में साइमेंटेनियसली देखा, दोनों एंड को देखा सन के। ओके, दोनों जो लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको मिला, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन मिला, उसके बीच का जो एंगल है ना बच्चों, इस एंगल को हम कहते हैं एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन। क्यों एंगुलर डायमीटर? क्योंकि ये सन का जो डायमीटर है ना, क्या बच्चों? ये सन का डायमीटर है। यस और नो? सन का डायमीटर जो एंगल सबटेंड कर रहा है ना, उसे कहते हैं एंगुलर डायमीटर। सो बच्चों यहां पे एक नया टर्म आपके पास आ गया, एंगुलर डायमीटर। एंगुलर डायमीटर क्या होता है बच्चों? इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय सन एट पॉइंट ऑफ अर्थ, है ना? तो ये अल्टीमेटली आपका एंगल ही है और कुछ नहीं, एंगल इज थीटा। चलो थीटा कितना दिया था बच्चों? 1920। ये भी लोचा बच्चों सेकंड में दिया है। घंटी बजी आपको? बजनी चाहिए। थीटा किसमें चाहिए होता है? लो आ गया मेरा हाइलाइटर, रेडियन में चाहिए मुझे, तो ये वार्निंग साइन आ गया। ओके, चलिए सेकंड को आप कैसे कन्वर्ट करते हो बच्चों? सेकंड दिखा तो किससे डिवाइड करोगे? 3600 से डिवाइड करने पर यह क्या बना? डिग्री।
डिग्री को क्या करना है, पाई बाई 180 क्या बना बच्चा, ये रेडियन बना, यस और नो। ओके चलिए मैं इसको अभी एज इट इज रख रहा हूं, मैं कोई कन्वर्ट करूं कि ना करूं बोलो। चलिए कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इसको आप सॉल्व करो कैलसी के ऊपर, आपका आंसर आएगा 9.31 × 10⁻³ रेडियन। ओके जब आप कैलसी के ऊपर कैलकुलेट करो और अगर आपको कुछ डाउट आया ना तो मेहरबानी करके उसको कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करेगा कि सर ये कहां से आया, आई विल डेफिनेटली आंसर यू दैट। ओके चलिए तो आपके पास थीटा आ चुका है बच्चों, अब तो क्या करना होता है, थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। चलिए आर्क कौन होता है जो थीटा के सामने है, थीटा के सामने कौन है, स्मॉल डी, इट इज डाया ऑफ सन जो हमें मेजर करना है। चलिए सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस लेते हैं बच्चों कैपिटल डी, क्या लेते हैं सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी लेते हैं, राइट। चलिए कितना है ये कैपिटल डी का वैल्यू, तो आपका कैपिटल डी का वैल्यू दिया है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, लेट मी टेल यू दिस, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, तो ये डिस्टेंस आपको कुछ दिया हुआ है बच्चों 1.496 × 10⁻¹ मीटर, और मैं आपको बता दूं इसे हम बच्चों 1 AU कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये कुछ बहुत अलग अलग यूनिट सब सीखने वाले, एयू क्या होता है, पार्सेक क्या होता है, उसमें से ये एक यूनिट है बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस, दैट इज 1.496 × 10⁻¹ मीटर। तो ये आपको दे दिया है बच्चों कैपिटल डी। चलिए आपका थीटा क्या होगा, आर्क बाय रेडियस कौन बनेगा, यहां पे कैपिटल डी, थीटा के सामने आर्क होता है बाजू में रेडियस होता है, आपको क्या मेजर करना है बच्चों बताओ, तो आपको तो डायमीटर मेजर करना है स्मॉल डी, डाया ऑफ सन, तो आपका स्मॉल डी कितना होगा बच्चों, स्मॉल डी इज थीटा इंटू कैपिटल डी। चलिए थीटा कितना है 9.31 × 10⁻³ रेडियन, यस और नो। और अच्छा कैपिटल डी कितना है बताओ, कैपिटल डी है आपका 1.496 × 10⁻¹ है कि नहीं, चलो आप जैसे ही बच्चों इसको मल्टीप्लाई करने वाले हो ना तो आपका आंसर आने वाला है डायामीटर ऑफ द सन इज इक्वल टू 1.39 × 10⁻¹, कितना आएगा ये बच्चों आपका 1.39 × 10⁻¹। इज दैट क्लियर, तो ये क्या है बच्चों आपका डायामीटर ऑफ द सन, क्या है ये डायामीटर ऑफ द सन, क्लियर हो गया किस तरह से हम प्लैनेट्स का डिस्टेंस मेजर करते हैं या उसका डायामीटर मेजर करते हैं, बोले चारों न्यूमेरिकल एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो चुके हैं। ओके चलिए बच्चों ये तो बात हो गई कि आप किस तरह से छोटे छोटे डिस्टेंस, किस तरह से बड़े बड़े डिस्टेंस मेजर करते हो, अब बारी है बच्चों के अगर बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस मेजर करने हैं, जैसे के डायामीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, डायामीटर ऑफ द अर्थ, सॉरी डायामीटर ऑफ द एटम, तो क्या करोगे, ये तो कितने छोटे होते हैं, ये तो दिखते भी नहीं है, तो उसका डायमेंशन, उसका मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, तो उसके मेजरमेंट के लिए कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स है जिसे हम बच्चों क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप भी अलग अलग टाइप के हैं, तो मैं आपको यही बताऊंगा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर कि किस तरह से हम छोटे छोटे डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। ओके
चलिए बच्चों, तो बात कर लेते हैं एस्टिमेशन ऑफ द वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, जैसे कि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। सबसे पहली बात बच्चों, जो मॉलिक्यूल का साइज होता है ना, वो कितना ऑर्डर का होता है पता है आपको? साइज ऑफ मॉलिक्यूल होता है बच्चों इन द ऑर्डर ऑफ 10^-8 मीटर से लेके 10^-10 मीटर। आपको पता है 10^-10 कितना होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 मीटर। इतना छोटा होता है बच्चों एटम का साइज। अब हमने जो इंस्ट्रूमेंट देखा था ना, स्क्रू गेज अपना लास्ट था, वो स्क्रू गेज का भी लिमिटेशन कितना था बच्चों? 10^-5 था। तो जो आपका स्क्रू गेज है वो कितना मेजर कर सकता है बच्चों? स्क्रू गेज मेजर कर सकता है ऑब्वियसली 10^-5 मीटर, जो उसका मिनिमम कैपेसिटी है। तो वो तो इतना ही मेजर कर सकता है, हमें तो इधर तक जाना है, तो क्या करोगे बच्चों? सो इन दैट केस वी यूज द माइक्रोस्कोप। क्या यूज करते हैं बच्चों? हम माइक्रोस्कोप्स यूज करते हैं। और माइक्रोस्कोप जो है ना बच्चों, उसके अंदर हम यूज करते हैं बीम ऑफ विजिबल लाइट। क्या यूज करते हैं उसके अंदर? हम बीम ऑफ विजिबल लाइट यूज करते हैं। ओके, तो मेरा सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है बच्चों ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, चलिए इसके लिए क्या क्या आपको याद रखना है बच्चों। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है राइट, वो क्या यूज करता है? इट यूज द विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का बीम इंसिडेंट कराएंगे हम किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके चलिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहां पे आपका जो लाइट है ना, वो लाइट जो है वो बिहेव करता है एज अ वेव। कैसे बिहेव करता है बच्चों लाइट? यहां पे लाइट बिहेव करता है एज अ वेव। आप ये फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे कि जो लाइट है उसके पास अलग अलग नेचर होता है, उसके पास वेव नेचर होता है, उसके पास रे नेचर होता है, उसके पास पार्टिकल नेचर होता है। ये सब आपको धीरे 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 फिजिक्स में पढ़ना है। यहां पे आपको याद रखना है कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में लाइट जो है वो एज अ वेव बिहेव करता है। और इस वेव का जो वेव लेंथ होता है ना बच्चों, लाइट का जो वेव लेंथ है ना वो कितना है बच्चों? लाइट का वेव लेंथ होता है 4000 एमस्ट्रॉन्ग से लेके 7000 एमस्ट्रॉन्ग। कितना होता है बच्चों? 4000 एमस्ट्रॉन्ग से लेके 7000 एमस्ट्रॉन्ग। चलिए एमस्ट्रॉन्ग कितना होता है? 10^-10। तो इसका मतलब है 4000 × 10^-10 मीटर से लेके 7000 × 10^-10 मीटर, दैट इज दैट विल 4 × 10^-7 मीटर से लेके 7 × 10^-7 मीटर। इतना आप मेजर कर सकते हो किससे? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से। क्योंकि सिंपल सी बात है बच्चों, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए बाप से तो छोटा ही रहता है ना, समझ आई आपको बात? ओके, मतलब ऑप्टिकल जो आपका माइक्रोस्कोप है उसमें आप यूज किसको कर रहे हो? ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट को यूज कर रहे हैं। अब लाइट का खुद का ही डायमेंशन जो है वेवलेंथ, वो कितना है? 4 × 10^-7 कितना होगा बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब लाइट जो है ना उसका मिनिमम वेवलेंथ इतना है। तो आप मिनिमम इतना ही देख सकते हो लाइट से, इससे ज्यादा आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हो। बट हमें तो ये देखना है कितने मिंडे है इसके अंदर, तभी तो यहां तक पहुंचे ही नहीं है हम। तो ये क्या है बच्चों आपका? ये है आपका रिजोल्यूशन है। क्या है बच्चों? ये आपका रिजोल्यूशन ऑफ द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। रिजोल्यूशन मतलब आप कम से कम कितना देख सकते हो, समझ में आई आपको इतनी बात? ओके, तो आपको और तोड़ निकालना पड़ेगा। तो दूसरा जो तोड़ है ना बच्चों, वो है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या बच्चों आपका? उसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बच्चों हम विजिबल लाइट यूज नहीं करते, उसकी जगह पे हम यूज करते बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या यूज करते हैं बच्चों इसकी जगह पे? हम यूज करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहां पे हम लाइट गिरा रहे थे ना इसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसकी जगह यहां पे हम गिराएंगे बच्चों बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज इंसिडेंट ओके ऑन ऑब्जेक्ट। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन का बीम मिलना कैसा है? तो इलेक्ट्रॉन का बीम मिलता है बच्चों बाय अप्लाइंग द प्रॉपर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। उससे आप इलेक्ट्रॉन को एक ही लाइन में गिरने पर मजबूर कर सकते हो। ओके, तो ये आ गया आपका स्टेटमेंट बच्चों। ओके, कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फोकस कराया जाता है? बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड। चलिए बच्चों, अब क्या होगा? तो यहां भी जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पार्टिकल होता है ना, बट माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन बच्चों बिहेव करता है एज अ वेव। कैसे बिहेव करता है इलेक्ट्रॉन? एज अ वेव बिहेव करता है, जिसका वेवलेंथ होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए वेव का वेवलेंथ होता है 0.6 एमस्ट्रॉन्ग। कितना होता है बच्चों? 0.6 एमस्ट्रॉन्ग। ओके, और ये जो है ना बच्चों, इसे कहते हैं हम ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर। यहां पे आपने आपको आगे पढ़ना है, 11th में केमिस्ट्री में भी आएगा, फिजिक्स में भी आएगा, दैट इज कॉल्ड एज डी ब्रोगलीज प्रिंसिपल। वहां पे आप सीखोगे कि हम क्यों इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव कंसिडर कर रहे हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है,
बट हमें यहाँ पे कंसिडर करना है कि इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, वेव है, वो कैसे आगे जा रहा है, वेव की तरह आगे जा रहा है, और उसका वेवलेंथ कितना है, 0.6 एंगस्ट्रॉम है। तो यहाँ पे भी बाप कितना भी, बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए, बाप से तो कैसा रहना है, छोटा ही रहना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का खुद का वेवलेंथ कितना है, 0.6 एंगस्ट्रॉम, तो ये 0.6 एंगस्ट्रॉम तक मेजर कर सकता है, उससे कम में नहीं जा सकता है। आ रही है बच्चों बात समझ में? ओके, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसका रिजोल्यूशन होता है बच्चों 0.6 एंगस्ट्रॉम। तो क्या हम एटम को देख पाएंगे इससे? ऑब्वियसली देख पाएंगे, बिकॉज एटम का साइज कितना था बच्चों, एटम का साइज था आपका 10^-8 से, मैं वापस लिखता हूं, एटम का साइज कितना था बच्चों, 10^-8 से लेकर 10^-10। 10^-8 का मतलब क्या होगा बच्चों, 100 × 10^-10 होगा कि नहीं, यस और नो टू द 10^-10। 100 × 10^-10 मतलब एमस्ट्रॉन्ग टू 1 एमस्ट्रॉन्ग। तो आपके एटम का साइज जो है वो 1 एमस्ट्रॉन्ग जितना है या 100 एमस्ट्रॉन्ग जितना है, और आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसका मिनिमम डायमेंशन कितना है, 0.6, मतलब इसको यूज करके आप एटम या मॉलिक्यूल को देख सकते हो। उससे ज्यादा भी बच्चों लेटेस्ट टेक्निक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, जो लेटेस्ट जो टेक्निक है बच्चों वो है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। और उसका जो रिजोल्यूशन है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के रिजोल्यूशन से भी कैसा होता है, कम होता है। ओके, क्लियर। चलिए बच्चों, ओलेइक एसिड का जो मॉलिक्यूल होता है उसका साइज कैसे मेजर करा जाता है, उसका एक प्रैक्टिकल आपको मेथड दिया हुआ है, सिंपल सा मेथड है बच्चों, देखिए क्या करना है वो। तो जो ओलेइक एसिड है ना बच्चों, ये होता है एक सोपी लिक्विड। क्या होता है बच्चों? ओलेइक एसिड एक सोपी लिक्विड होता है, विच इज अ सोपी लिक्विड। ओके, और उसका जो मॉलिक्यूल का डायमीटर है वो होता है बच्चों 10^-9 मीटर। कितना होता है बच्चों उसके मॉलिक्यूल का डायमीटर होता है 10^-9 मीटर जितना उसका डायमीटर है। हमें क्या करना है बच्चों, हमें लेना है 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान रख लीजिए, सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो 1 mm होता है। कितना होता है बच्चों? सेंटीमीटर क्यूब इज 1 mm। ओके, तो हमें लेना है बच्चों 1 mm ऑफ ओलेइक एसिड। ओके, और उसको हमें डाल देना है बच्चों किसके अंदर? एल्कोहल के अंदर। किसके अंदर डालना है बच्चों? उसको हमें एल्कोहल के अंदर डाल देना है। और हमें टोटल वॉल्यूम कितना करना है बच्चों? 20 ml करना है। टोटल वॉल्यूम कितना करेंगे बच्चों? टोटल वॉल्यूम कर देंगे हम 20 ml, या 20 cm³ जितना टोटल वॉल्यूम करेंगे हम। ओके, चलिए, तो उसके अंदर ओलेइक एसिड कितना होगा बताइए? तो ओलेइक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा बच्चों, ये कॉन्सेंट्रेशन जो है वो केमिस्ट्री का टर्म है, ओलेइक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा बच्चों 1/20। कितना हो जाएगा ओलेइक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन? 1/20 हो जाएगा पर सेंटीमीटर क्यूब। इज दैट क्लियर? ओलेइक एसिड खाली कितना है? 1 ही है, 1 cm³ ओलेइक एसिड है, बाकी तो एल्कोहल है, राइट? तो ओलेइक एसिड का प्रपोर्शन कितना हो गया? 1/20 हो गया, यस और नो? ये जो सॉल्यूशन बना बच्चों आपका, इस सॉल्यूशन में से वापस आपको 1 cm³ उठाना है। क्या करना है? ये जो सॉल्यूशन बना उसमें से आपको 1 cm³ उठाना है। मान लीजिए ये सॉल्यूशन आपका बना ए। ओके, तो हम क्या करेंगे बच्चों? टेक 1 cm³ ऑफ ए, टेक 1 cm³ फ्रॉम ए। हम क्या करेंगे बच्चों? ए में से वापस, इसमें से 1 cm³ लेंगे, वापस उसको एल्कोहल में डालेंगे। ओके, क्या करेंगे बच्चों? वापस इसको अलग एल्कोहल में डालेंगे, और वापस हम वॉल्यूम बना लेंगे बच्चों 20 cm³। कितना बना लेंगे वॉल्यूम? 20 cm³ बना लेंगे। तो अब जो सॉल्यूशन आपके पास बना, मान लीजिए सॉल्यूशन बना बी, 20 cm³ का है बच्चों टोटल वॉल्यूम है, तो उसके अंदर ओलेइक एसिड का फ्रैक्शन कितना होगा बच्चों बताइए? तो ऑलरेडी ओलेइक एसिड का फ्रैक्शन ए में ही कितना हो चुका है? 1/20। उसको वापस हमने टोटल 20 टाइम किया, तो अब ओलेइक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों? ओलेइक एसिड कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी ए सॉल्यूशन में 1/20 था, वापस उसको 20 टाइम वॉल्यूम किया, तो वापस डिवाइड बाय 20 हो जाएगा, मतलब ओलेइक एसिड हो जाएगा बच्चों आपका 1/20 × 1/20, दैट इज 1/400 per cm³। तो इतना आपका ओलेइक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है। अब आपको क्या करना है बच्चों? आपको एक बड़ा सा बीकर या ट्रफ लेना है, उसके अंदर बच्चों आपको भर देना है वाटर। क्या भरना है बच्चे? उसके अंदर आपको वाटर भरना है, और उस वाटर के सरफेस के ऊपर बच्चों आपको डाल देना है लाइकोपोडियम पाउडर। क्या डाल देना है सरफेस के ऊपर बच्चों? हमें डाल देना है लाइकोपोडियम पाउडर। लाइकोपोडियम पाउडर हम डाल देंगे बच्चों। अब क्या करना है? ये जो आपका बी वाला सॉल्यूशन बना है ना, उसके कुछ ड्रॉप हमें इसके ऊपर गिराने हैं पानी के ऊपर। तो जैसे ही ये सॉल्यूशन पानी के ऊपर गिरेगा ना, आप देखोगे कि सॉल्यूशन जो है ना वो पूरा फैल के सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? पूरा फैल के एक सर्कल बन जाएगा, और आपको तुरंत ही उस सर्कल का रेडियस कितना है वो मेजर कर लेना है। बोले समझ में आ रहा है मेथड क्या किया?
पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलेइक एसिड को 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में डाला, तो ओलेइक एसिड कितना हो जाएगा पूरे सॉल्यूशन में 1/20। उस सॉल्यूशन में से वापस 1 सेंटीमीटर क्यूब लेके 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में डालोगे तो अब ओलेइक एसिड कितना हो जाएगा बच्चों, 1/20 ऑलरेडी था, वापस डिवाइड बाय 20 तो ओलेइक एसिड हो गया 1/400। जो सॉल्यूशन बना है उसके कुछ ड्रॉप आपको डालने हैं पानी के अंदर, और उस पानी के ऊपर क्या डाला होगा, लाइकोपोडियम पाउडर डाला होगा। क्या डाला होगा पानी के ऊपर आपने, लाइकोपोडियम पाउडर। जैसे ही वो ड्रॉप गिरेगा वो सर्कल बन जाएगा, आपको सर्कल का रेडियस मेजर कर लेना है। ओके, अब मान लीजिए बच्चों, अब आपका थियरी खत्म हो रहा है। अब यहां पे क्या होगा कि सपोज यहां पे एक जो ड्रॉप है उसका वॉल्यूम है वी, वो हम रफली मेजर करेंगे कि ड्रॉप जो गिर रहा है उसका वॉल्यूम कितना है। ओके, तो अगर एक ड्रॉप का वॉल्यूम वी है तो अगर ऐसे एन नंबर ऑफ ड्रॉप गिरा है हमने, कितने ड्रॉप गिरा है, एन नंबर ऑफ ड्रॉप, तो टोटल ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू, चले वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप कितना है वी, ऐसे कितने ड्रॉप गिरे एन जितने, राइट। ओके, तो यहां पे टोटल वॉल्यूम कितना हो गया बच्चा, एन इंटू ड्रॉप हो गया। जैसे ही ये वॉल्यूम गिरा तो वो अंदर फैल के क्या हो गया, सर्कल हो गया। और यहां पे क्या होगा बच्चों, सर्कल बनाना इसका मतलब यहां पे आपके ओलेइक एसिड का एक ही मोलिक्यूल का लेयर बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, एक ही मोलिक्यूल का लेयर बनेगा। तो यहां पे बच्चों आपका जो भी बना कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, ऐसा एक सर्कल बनाएगा बच्चों वो। ओके, सिंगल मोलिक्यूल का पूरा लेयर बनेगा सरफेस के ऊपर, राइट। तो अगर यहां पे मान लीजिए कि टी जितना आपका थिकनेस है लेयर का और इसका रेडियस कितना आया आर, तो मुझे बता सकते हो यहां पे आपका वॉल्यूम कितना है बच्चों, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, एरिया इंटू थिकनेस। चले सर्कल है तो सर्कल का एरिया कितना होगा, पायर स्क्वायर इंटू थिकनेस, यस और नो। और ये थिकनेस जो है ना बच्चों वो और कुछ नहीं है, डायमीटर ऑफ द मोलेक्यूल है। क्या है बच्चों, ये थिकनेस जो है वो डायमीटर ऑफ द मोलेक्यूल है। हम क्या करेंगे, वॉल्यूम कंपेयर करें, तो ऊपर से ड्रॉप गिरा है, ड्रॉप का वॉल्यूम ये रहा एन इंटू वॉल्यूम ऑफ इच ड्रॉप इज इक्वल टू सर्फेस के ऊपर फैल के क्या बना, वो ऐसा लेयर बना, तो लेयर का वॉल्यूम कितना है बच्चों, पायर स्क्वायर टी, ऑब्वियसली दोनों सेम होगा। ओके, चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप है, ड्रॉप के अंदर पूरा ओलेइक एसिड थोड़ी है, ड्रॉप के अंदर तो एल्कोहल बहुत सारा है, तो ओलेइक एसिड का कितना है उसमें से 1/400 पार्ट। तो जो आपने टोटल वॉल्यूम डाला बच्चों ड्रॉप में, उसमें ओलेइक एसिड कितना है बच्चों, डिवाइड बाय 400, कितना है ओलेइक एसिड डिवाइड बाय 400। समझ में आ रहा है बच्चों लॉजिक, ड्रॉप बाय ड्रॉप ओलेइक एसिड गिर रहा है, टोटल वॉल्यूम गिरा आपका एन इंटू वी, उसमें ओलेइक एसिड कितना होगा डिवाइड बाय 400, बिकॉज ओलेइक एसिड के अंदर ऑलरेडी हम दो बार 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल डाल के आए, जो मैंने आपको पहले समझाया, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू टी। और ये टी जो है ना वही बच्चों हमारा टारगेट है जो हमें फाइंड करना है। चलिए, एन हमें पता है कितने ड्रॉप गिरे, वॉल्यूम हर एक ड्रॉप का वॉल्यूम हम पहले से ही मेजर कर लेंगे, रेडियस जैसे ही सर्कल गिरा, सर्कल जैसे ही बना तो उसका रेडियस हमने मेजर कर लिया तुरंत ही, तो ये हमें जो मेजर करना है थिकनेस, वही क्या है बच्चों आपका डायमीटर ऑफ द एटम या मोलेक्यूल है। क्या है ये, डायमीटर ऑफ द मोलेक्यूल। तो ये लेयर, ये मेथड यूज करके आप ओलेइक एसिड का मोलेक्यूलर डायमेंशन मेजर कर सकते हो। क्लियर बच्चों। चलिए, तो यहां पे हमने बच्चों मेजरमेंट ऑफ द लेंथ सारा कंप्लीट कर लिया है। ओके, चलिए यहां पे आज के क्लास को हम वाइंड अप करेंगे, आपको वीडियो अच्छे से देखना है, देख के उसके नोट्स बनाने हैं, राइट। ओके, एंड आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।